हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्टली कार्बन साइकिल पढ़ने पे हम ये करते हैं, कार्बन है क्या। कार्बन ऑफ कोर्स एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एंड द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन एक नॉन मेटल है, बट बेसिस है ये लाइफ किसका, अर्थ पे। पाया कहाँ जाता है, ये रॉक्स में, ओशंस में, एटमोसफियर में, और जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में पाया जाता है। वो प्लांट है, जब एनिमल है, यस हमारे अंदर भी कार्बन है। द कार्बन एटम, कार्बन एटम क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे बेस्ड है, कार्बन एटम पे बेस्ड है। तो व्हाट इज साइकिल, साइकिल होती क्या। अगर हम साइकिल की बात करें तो हम कंटिन्यूस मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग, कंटिन्यूसली जो फर्स्टली हम साइकिल उस चीज तो बोलते हैं कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे आके वो ख़त्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइकिल। तो साइकिल क्या, इकोसिस्टम में साइकिल की बात करें तो व्हाट इज़ द साइकिल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में साइकिलिंग क्या है, जितना भी मैटर है, न्यूट्रिएंट है, कंटिन्यूसली मूव करना बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड रीजन्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं साइकिलिंग इन इकोसिस्टम। दैट इज बीइंग नोन एज अ साइकिलिंग इन व्हाट, इकोसिस्टम। ओके, तो मतलब कि इकोसिस्टम में हो रहा है, इकोसिस्टम में हम भी हैं, ऑर्गेनिजम्स भी है और रीजन्स भी है। जनरली कंटिन्यूसली मूव्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल एनर्जी इज 100% रिसाइकलेबल। जितनी भी एनर्जी है उसमें से सारी की सारी रिसाइकलेबल नहीं होती, कुछ एनर्जी तो लॉस्ट भी होती है हीट के फॉर्म में। तो कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन में भी स्टोर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, कार्बन को हम स्टोर करते हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए सिंक्स के रूप में। यहाँ पर बहुत सारे वे है रिलीज्ड होती है कार्बन, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वो सोर्स होता है। टुगेदर दे डिफाइन एज द सिंक और सोर्स, ये डिफाइन करता है कार्बन साइकिल। डेट इज़ द कार्बन साइकिल विच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ देख रहे हैं प्लांट कार्बन, जो प्लांट की कार्बन है वो जाएगी किसके अंदर, सोयल ऑर्गेनिक मैटर में। हम कोई भी लीफ टूटी है मान लो सोयल में जाती है, ओके, उसके बाद माइक्रोबियल सेल उसको यूटिलाइज करेगी, डिकेड रेजिड्यूज है उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन डेट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यूज बाय सॉयल ऑर्गेनिक मैटर। कोई एनिमल मर रहा है वो भी सॉयल ऑर्गेनिक मैटर में जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट यूज़ कर रहा है। अगेन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, एनिमल्स छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ए बी, देखिए बी में क्या दिखा रखा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड दे भी रहे हैं। यस इट इज़ ट्रू, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं नाइट के टाइम पे, C3 प्लांट्स, ये थोड़ा अलग है, C3 सीफर प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट जितनी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा होती है कंपेरेबल टू जितनी रिलीज कर रहे हैं। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि प्लांट का कार्बन है, एनिमल का कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बन फिक्सेशन कर रहे हैं, कार्बन फिक्सेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर रहे हैं प्लांट, रिलीज कर रहे हैं सम एनिमल्स, रिलीज कर रहे हैं रेस्पिरेशन एंड फोटो प्लांट्स भी। तो जो ए है वो शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बी शो कर रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को, सी शो कर रहा है रेस्पिरेशन इन एनिमल को, डी शो कर रहा है डी ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ई शो कर रहा है जो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन है वो रिलीज कर रहे हैं। तो ए बी सी डी क्लियर है, एंड डैट इज बिंग ऑल अबाउट कार्बन साइकिल, यही कार्बन साइकिल। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस बात को कि प्लांट कार्बन है, एनिमल कार्बन है, दोनों की दोनों जाएगी क्या बना देगी, सोयल ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, एंड डेट सोयल ऑर्गेनिक मैटर विल बी एंड ठीक है, सोयल में कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आप सबने सुनी होगी ये बात कि एक मुट्ठी सोयल में हैंडफुल ऑफ सोयल कंटेन मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। अरे वो जिंदा कैसे है, ऑफकोर्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो फूड बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो डी शो कर रहा है ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। ई में वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन तो प्लांट्स भी करते हैं, रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन। ए में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो प्लांट्स ले रहे हैं, बी में प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सी में एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। डेट्स बीइंग क्लियर अबाउट कार्बन साइकिल। उसके बाद दीजिएगा कार्बन साइकिल हो गया, ये हमारा कार्बन साइकिल हो चुका अच्छे से, एंड देन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब हमें साइकिल को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लांट पुल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज़ यूज टू मेक फूड फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन है पार्ट है प्लांट का, अब
क्योंकि प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, तो ऑफकोर्स प्लांट ग्लूकोज सच स्टार्च ऑल कंटेन कार्बन. अब एनिमल ईट्स प्लांट्स, जब ऑर्गेनिज्म कोई भी ईट प्लांट को कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कार्बन ले रहे हैं और अब वो कार्बन अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं. तो मतलब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ली, उसका फूड बनाया ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में, वो फूड हमने लिया तो हमने भी कार्बन सोर्स लिया. अब हम मरेंगे, प्लांट एंड एनिमल डाई. जब प्लांट और एनिमल मरेंगे तो क्या होगा, उनकी जो बॉडी से डिकम्पोज टूटेगी, कार्बन एटम्स रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से ही ली थी फाइनली हमने, एटमॉस्फेयर को ही दे देंगे, जहाँ से लेना वहीं से दे देना. कंटिन्यूसली मूवमेंट होना, डेट इज बिंग साइकिल, एंड मूवमेंट हो रही है कार्बन की तो डेट इज बिंग कार्बन साइकिल. सम आर नॉट डिकम्पोज फुली एंड इन डिपॉजिट अंडरग्राउंड. कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते और फिर वो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हो जाती है वो, जैसे कि ऑयल के अंदर, कोयले के अंदर डिपॉजिट हो जाना. कोयले जो कॉल है वो आप सब जानते हैं, कोयल इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉल इज़ कॉक. और कोयल एक बहुत कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स इज बिंग वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो. कार्बन इज बिंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. जितने भी हम पेट्रोल पड़ रहे हैं दे ऑल आर कंटेन कार्बन. एंड हम कोयले को सेपरेट कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से. वी कैन सेपरेट कॉक, कॉल टार, केरोसिन ऑयल और अदर फॉर्म्स ऑफ कॉल सेक्टर. वी कैन सेपरेट आउट पैराफिन वैक्स बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आ गया साइकिल. ये साइकिल रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होती रहेगी कि प्लांट्स मरेगी, एनिमल मरेगी, सोयल में जाती रहेगी, डिपॉजिट होती रहेगी, यूज दोबारा माइक्रोग्रेनिज्म करते रहेगी, उसको CO2 दोबारा रिलीज करते रहेगी. द साइकिल बिंग ओवर एंड ओवर, द रिपीटेड ओवर एंड ओवर. उसके बाद है कार्बन ओशंस के अंदर. देखो एडिशनल कार्बन स्टोर भी होती जा रही है ओशन में. CO2 पास हो रही है किसके अंदर, वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर. जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ पे पास आउट हो रही है, वाटर के अंदर. कहाँ से, एटमोसफियर से. तो हम बात कर रही हूँ CO2 की. पास हो रही है पानी में, कहाँ से, एटमोसफियर से. जो प्लांट्स जो छोटे फाइटोप्लैंक्टन से यूज़ कर रहे हैं उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, एनिमल्स कार्बन पुट कर रहे हैं वाटर से, यूज़ कर रहे हैं शेल्स और सेक्ट्रा में, उनकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है. एनिमल्स डाई हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं बॉटम ऑफ द सी में. ओशन के अंदर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन है. अब कार्बन साइकिल के बारे में हम आते हैं. रिवॉल्व्स अराउंड CO2, इट्स फिक्सेशन इन रीजनरेशन. कार्बन साइकिल का मतलब क्या, रिवॉल्व्स अराउंड CO2 कि CO2 की हाउ टू फिक्स CO2 एंड हाउ टू रिजनरेट CO2. क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट है यूटिलाइज करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को. जो कौन से प्लांट है, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल, ऑफकोर्स जितने क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है सारे प्लांट्स ग्रीन है. एंड दे सोल कार्बन सोर्स बाय द कार्बोनेशियस मैटर सिंथेसाइज. कार्बोनेशियस मैटर सिंथेसाइज सर्व टू सप्लाई द एनिमल वर्ल्ड विद परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर. या कार्बोनेशियस मैटर का मतलब है हमारे ग्लूकोज से, एंड ग्लूकोज फर्दर फॉर्म सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज एंड ऑल्सो स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. तो जितना भी सबके अंदर कार्बन है, और फिर देन हम एनिमल्स फ्रूट्स खाए हैं सबके अंदर कार्बन है, फिर हम मर, ऑफकोर्स एनिमल सब ने मरना ही है. देन वो फिक्स दोबारा हो रहा है एटमोसफेयर के अंदर विदाउट द माइक्रोबियल पुल. बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मोर कार्बन विल बी फिक्स्ड एंड देन इज रिलीज्ड. बिना माइक्रोबियल पुल के ज़्यादा कार्बन फिक्स होएगी, रिलीज होने से ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमोसफेयर डिक्रीज हो जाएगी एंड फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा. मतलब कि सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले सो मच इम्पॉर्टेंट रोल, एंड स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके बाद है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में, डेट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन. फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए मैंने फ्रेंड से बोलते हैं ये गुड बैक्टीरिया गुड फंजाई है. कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर रिटर्न हो जाती है दोबारा किसको, इन्वायरमेंट को. दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोबारा से ही इन्वायरमेंट के पास जो है वो चीज़ जा रही है दोबारा से. उसके बाद आता है ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन इम्पैक्ट क्या आता है, ओके, फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन स्टोर वेरी स्लोली. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कार्बन स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे, एकदम से स्टोर नहीं कर रहे फॉसिल फ्यूल्स कार्बन. फॉसिल फ्यूल्स कार्बन स्टोर करते हैं बहुत धीरे. बर्निंग एनीथिंग, आप किसी चीज़ को भी जला दो वो क्या रिलीज करेगी, कार्बन इन द एटमोसफेयर. ओके, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन होगी, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, थोड़े प्लांट होएंगे
एटमॉस्फेयर में. तो अब राइजिंग लेवल क्यों हो रहा है? एट द मोमेंट चेंज इन स्मिंगली वेरी स्मॉल, मतलब दैट इज बिंग सो मच हार्मफुल कंसंट्रेशन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है 0.060 degree Celsius, ये 6 degree Celsius पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, और जो बहुत हार्मफुल कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. फॉसिल फ्यूल जलेंगे, पेट्रोल जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये क्या करेगी, इंक्रीज इन अर्थ एटमोसफियर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, एंड ऑफकोर्स ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होएगी तो इंफ्रा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, जैसे CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है और नाइट्रस ऑक्साइड है. अब ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक आउट ऑफ स्पेस. कुछ एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, बैक आउट ऑफ स्पेस, स्पेस से कुछ एनर्जी चली जाएगी. ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? ऑफकोर्स सन की रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, कुछ वापस चली जाएगी, और फिर अर्थ सरफेस हीटेड बाय द सन एंड रेडिएट्स द हीट बैक टूवर्ड्स, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेगी इन सब को और ट्रैप करेगी सन की रेडिएशन को. ऑफकोर्स क्या होगा, अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या है, सोलर एनर्जी पासिस थ्रू द एटमोसफेयर, स्ट्राइक करता है अर्थ के सरफेस को, जिसको गर्म कर देगा, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होएगी. सारी की सारी रेडिएशन चली जाती थी, मोस्ट ऑफ रेडिएशन, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को गर्म बना देता है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला हमने इसको, ओके, हमने इसको क्यों कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये रियल ग्रीन हाउस गैसेस ग्लास एक्ट एज द एटमोसफेयर एंड ट्रैप सम ऑफ द हीट एनर्जी. क्यों कह रहे हैं हम इसको ग्रीन हाउस गैसेस, तो जितनी भी हीट की रेडिएशन है ये क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा अपने अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ग्रीन हाउस गैसेस बोला. व्हेन टू मच हीट अब्जॉर्ब कर लिए ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा एटमोसफेयर एकदम गर्म हो जाएगा. Why? What is the carbon sink? अब कार्बन सिंक क्या है, ओके, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल बनने से पहले क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यूजली कैप्ट एंड चेक बाय द कार्बन सिंक. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का क्या होता था, रहता था बोला चेक होता रहता था. कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट है, ओशंस है, सिंक लेने वाले ज़्यादा थे कार्बन को, फॉरेस्ट से ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ओशंस है डिजॉल्व सी वाटर में हो रहा है, टेम्परेचर इंप्रेशन, छोटे छोटे एनिमल्स है, फाइटोप्लैंकटन है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं. तो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ऑफकोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर, सोलर विंड पावर, बायोफ्यूल्स, इन सब का यूज़ किया जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, द क्योटो एग्रीमेंट टू रिड्यूस CO2 मिशन, ये अभी एग्रीमेंट हुआ है, रिडक्शन इन लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, देन विल बी मेजर हेल्प इन प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन कम कर दो, जब रिफॉरेस्टेशन कर लो तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग CO2 के एमिशन को कम कर सकते हैं. थैंक यू.